हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं लिम्पी वायरस के बारे में, जो ले रहा है पशुओं की जान। पहले बता दें आपको लिम्पी वायरस क्या है और ये कैसे फैल रहा है। लिम्पी वायरस एक जानलेवा बीमारी है जो मुख्यतः पशुओं में, जो कि गायों को संक्रमित कर रही है। लिम्पी वायरस के लक्षण क्या है? लिम्पी वायरस शरीर की त्वचा पर चकत्ता, जैसे गांठें बनना, तेज बुखार रहना, नाक आँख से पानी आना, लार गिरना, पैरों में सूजन और लंगड़ापन आना, वजन कम होना, गायों का दूध कम देना, पूर्ण रोना गायों को, ये सब बीमारियां के लक्षण हैं। '93 साल पहले मिला था लिम्पी वायरस का पहला केस और अब भारत में लिम्पी वायरस तेज़ी से फैल रहा है। ज़्यादातर राजस्थान में इसके मामले दिखाई दे रहे हैं एवं उत्तराखंड में भी। देश में कई राज्यों में लिम्पी वायरस ने तबाह मचा रखी है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वायरस से तकरीबन 57,000 गायों की मौत हो चुकी है और इनमें से सबसे ज़्यादा मौतें राजस्थान में देखने को मिल रही है। इस वायरस से इंसानों को नुकसान नहीं है, नुकसान तभी है जब इंसान संक्रमित गाय का दूध पिए, अन्यथा नहीं। कुछ उपाय इस प्रकार दिए गए हैं जो कि घरेलू उपाय हैं और यह काफ़ी हद तक काम भी कर रहा है, जिससे कि गाय ठीक हो रही है। और आप भी ये उपाय ज़रूर करें। नीम के पत्तों का सेवन गाय को जरूर दें और नीम के पत्तों का धुआं आसपास ज़रूर करें, जिससे कि मक्खी मच्छर गाय से दूर रहे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।